मागणीनुसार आणि गरजेनुसार हा एफ आय आर दाखल झालेला आहे आणि पाटील साहेबांना विनंती करतो बोलेल भारत माता की जय। ये जगह होना थोड़ी अरे बड़ा सरकार करो थोड़ी जगह बनाओ। मैं अकोला शहर के कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं का तहे दिल से धन्यवाद मनता हूं कि वो महात्मा गांधी के खिलाफ में जिन लोगों ने बयान दिया उसके खिलाफ में एफआईआर हुई, जब तक आप यहां डटे रहे और आज हम एफआईआर कॉपी यहां से लेके जा रहे हैं। आज हमको वापिस इस न्याय व्यवस्था के ऊपर एक बार फिर से विश्वास विडंबना की बात है। ये हम एक एफआईआर नोट करने के लिए बैठे हुए हैं कि इस देश ने जिसने गुलामियों को जंजीर से निकाला, ऐसे महात्मा के खिलाफ में कोई अशोक वक्ता है और हम लोग सिर्फ बोलते हैं कि आप जीरो एफआईआर नोट करो, तो यहाँ एफआईआर नोट नहीं होता। पिछले 1.5 घंटे से हम लोग बैठे हैं, कोई हमको सहयोग करने को तैयार नहीं। यानी हम क्या इन्हें राष्ट्र किसके खिलाफ में एफआईआर कर रहे हैं? वो आदमी के खिलाफ में जिसने महात्मा गांधी के खिलाफ में बात की है। और ये देश महात्मा गांधी का है, महात्मा गांधी के नाम से पूरी दुनिया में भारतवर्ष जाना जाता है। आज उनके शहर में, उनके मुल्क में, उनके गांव में बैठ के उनके खिलाफ में बोलने वाले खिलाफ में एफआईआर दर्ज होता है तो हम आखिरी तक उठने वाले नहीं है। हम अपनी जानों की आहुति लगा देंगे लेकिन यहाँ से नहीं उठेंगे। अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे।